नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरे। एक बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें बीच सड़क पर कई लोग पुलिस वालों के सामने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बाद शिकायत भी की गई है। घायल अवस्था में इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और ये तस्वीरें भी सामने आई है जब बीच सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें। आरोप लगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस से शिकायत भी इस बात की गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चाहे वो चर्चा में भाग दे रहे थे, लेकिन उनके गुंडे आए पुलिस के सामने, इन लोगों ने बड़ी धड़क बहुत मार मारा। भारतीय जनता पार्टी करना अपराध है बंगाल में, इसलिए पुलिस के और पुलिस के गुंडे, तृणमूल के गुंडे सब मिलजुल कर ये सब काम। हालांकि बीजेपी ने पुलिस से भी शिकायत की है, और इस घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह से और चुनाव आयोग से भी बीजेपी ने शिकायत की और जिले के एसपी पर कार्रवाई की मांग की है। अब बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की निंदा की है। दिलीप घोष ने ट्वीट किया, उत्तर 24 परगना में टीएमसी के राजनीतिक आतंकियों ने हमारी परिवर्तन यात्रा के दौरान बम से हमला किया है। ये लोगों के मन में आतंक फैलाने के लिए प्लान बनाकर हमला था। पश्चिम बंगाल के लोग सही समय पर अपना जनादेश देंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने हमला किया ममता सरकार पर, जब उनकी पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं पर यह हमला हुआ था। अमित पांडे हमारे सहयोगी कोलकाता में इस वक्त मौजूद है, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि उन्होंने बम से हमला किया है, स्थानीय प्रशासन या फिर पुलिस महकमा इसमें कुछ बता पा रहा है, कार्रवाई कर पा रहा है? देखिए, पुलिस का इस मामले में कहना है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया उन लोगों के नाम फिलहाल वह पता कर रही है, और 3 से 4 लोग इसमें हो सकते हैं, उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर रही है। ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो पिछले एक हफ्ते में 5वां ऐसा मौका है जब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया टीएमसी के लोगों की ओर से। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है पिछले एक हफ्ते में 2 बार ऐसा आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। तो ये हिंसा का दौर है, हिंसा का अब दौर है। आरोप प्रत्यारोप दोनों राजनीतिक प्रमुख जो पार्टियां हैं वह एक दूसरे पर लगा रही थी। कमोवेश इसी बात का जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैलियों के दौरान बार बार किया है, राजनीतिक हिंसा का दौर। तो यह राजनीतिक हिंसा का दौर है, और अब आने वाले दिनों में भी इसकी गूंज हमें सुनाई देने को मिलेगी। और अब इसमें यही देखना है कि पुलिस, स्थानीय पुलिस जिसके सामने बार बार ऐसी घटना आती है, वह कितनी पुख्ता तरीके से सूचना मिलने के बाद इसमें कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। तो जहां अब बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है ममता सरकार पर हमला करने का, तो बीजेपी के कुछ नेता इसे हिंसक राजनीति करार दे रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक आतंकवाद करार दिया है। कुछ लोगों ने तो डिप्टी इस यहां के जो एसपी हैं उन्हें तुरंत हटाने की भी मांग की है, और इसकी शिकायत गृह मंत्री से भी की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, पश्चिम बंगाल की 5 अलग अलग इलाकों से यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसी परिवर्तन यात्रा में बताया जा रहा है कि 4 पर चर्चा के लिए जब वो निकले हुए थे, बीच रास्ते पर कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, उनकी गाड़ी तोड़फोड़ दी है, और बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है, गृह मंत्री से भी शिकायत की गई है, चुनाव आयोग से भी बीजेपी ने इसकी शिकायत की है, और बीजेपी अब सीधे हमलावर है ममता सरकार पर। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि दरअसल अपनी हार से वो बौखलाई हुई हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष तो यहां तक कह रहे हैं कि राजनीतिक आतंकवाद है जब बीजेपी के इस कार्यक्रम में लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर सभी अपराधियों का हिसाब होगा। मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, जनता जनार्दन का आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों का नाम लिख करके रखना, क्योंकि जब भाजपा की सरकार बनेगी
तो चाहे गुंडा अपराधी हो, चाहे टीएमसी के गलत कामों का समर्थन करने वाला कोई अधिकारी और कर्मचारी हो, उसका भी हिसाब होगा। या आप भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया। केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि अब अगर सरकार बदल रही है तो इसके बाद इनका हिसाब भी किया जाएगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम पर। अमित, जो बड़ा सवाल है वो ये कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि यहां सत्ता की सियासत हो रही है, पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है, लेकिन जवाब इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर पश्चिम बंगाल पुलिस को देना है कि असली में स्थिति क्या है, वाकई कौन थे हमलावर, क्या वो बता पाने की स्थिति में है बंगाल पुलिस, और कुछ बता पाई है अब तक? देखिए, जहां तक इस घटना का सवाल है, इस घटना के बारे में भी अभी पुलिस की का यही वर्जन है कि इस मामले में उसकी तफ्तीश जारी है। कमोबेश ऐसे ही 4-5 घटना जो हुई है पिछले एक हफ्ते के दौरान, पुलिस का यही रुक रहा है और यही सबसे कमजोर कड़ी है प्रशांत, क्योंकि राजनीतिक हिंसा की घटना होती है, उसके बाद जब पुलिस से जवाब पूछा जाता है कि आपने क्या कार्रवाई की, तो पुलिस के पास जवाब नहीं होता है, या तो वो उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है, और यही चीज प्रेरित करती है आने वाले में राजनीतिक हिंसा को लेकर। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी स्थानीय प्रशासन और पुलिस के ऊपर होती है कि राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को वो कैसे डील करते हैं। और जहां तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का सवाल है, हम लगातार कल उनके साथ पूरे दिन भर थे और तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो डिप्टी सीएमओ यूपी को या फिर अलग अलग नेता, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम राजनीतिक हिंसा का ठीक से हम हिसाब करेंगे और हम एक प्रक्रिया बनाएंगे जिससे राजनीतिक हिंसाओं को पुलिस या प्रशासन अच्छी तरह से उसका निस्तारण करे। और ये राजनीतिक इस तरह के हमले और राजनीतिक हिंसा ही इस तरह से मौका भी देती है विपक्ष को, जब वो ममता सरकार पर हमलावर होते हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल भी कई बार ये हिदायत दे चुके हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम ना करें, और बीजेपी को इसलिए मौका मिल जाता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसकी शिकायत भी की गई है गृहमंत्री से, यहाँ तक कि चुनाव आयोग से भी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले के बाद आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर भी हमला कर दिया है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक इलाके से गुजर रही परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, कुछ लोगों की पिटाई कर दी, और इसके बाद जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी दफ्तर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ भी की है। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई लोग टीएमसी दफ्तर पर पथराव करते भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे लोगों के सामने उनकी एक नहीं चली। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग वहां खड़ी एक गाड़ी को भी निशाना बनाते नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक हिंसक वारदातों की घटनाएं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब आरोप टीएमसी लगा रही है बीजेपी पर कि उन्होंने भी तो टीएमसी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया कि महज आरोप है या वाकई इस तरह से राजनीतिक हिंसा ही हो रही है? देखिए, महज ये राजनीतिक हिंसा का ही दौर हम देखे जा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 5 बार अगर बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है तो 3 से 4 बार टीएमसी की ओर से भी आरोप लगाया गया है। और जब टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यालय पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है, तो ये इसी आरोपों प्रत्यारोपों की एक फेहरिस्त है, और एक बार फिर उंगली उठती है स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर कि उनने क्या कार्रवाई दी है। हमेशा की तरह इन 7-8 मामलों की तरह पुलिस इस पूरे के पूरे मामले में खामोश है जी, और अब भी ये एक के बाद एक घटनाएं आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है, लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर ये भी कि बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में पहली बार सुरक्षा व्यवस्था एक कमेटी के माध्यम से तय होगी। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि कमेटी में मुख्य चुनाव अधिकारी, संबंधित राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कोऑर्डिनेटर को शामिल किया जाएगा। कमेटी के सदस्य समय समय पर मिलेंगे और चुनाव के दौरान कहां सुरक्षा की व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता करनी है, कैसे करनी है, इसे भी तय किया जाएगा। भविष्य के सभी चुनावों में चुनाव आयोग इस व्यवस्था को लागू करेगा, यानी कि कमेटी ही सुरक्षा की व्यवस्था को अब सुनिश्चित करेगी। ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग का हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। दुर्गापुर में सीआरपीएफ की 12 कंपनियां पहुंच चुकी हैं जिन्हें कश्मीर से बंगाल भेजा गया है। इसके अलावा बीरभूम में भी सीआरपीएफ जवानों को भेज दिया गया है जिनकी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के लिए तैनाती की जाएगी।
अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ऐसे में जबकि हिंसक वारदातें एक के बाद एक हो रही है, चुनाव बेहद नजदीक हैं, अब एक बड़ा फैसला भी किया गया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी एक कमेटी निभाएगी और देखेगी कि कहां कितनी सुरक्षा और पुख्ता करने की जरूरत है। क्या ये पहली बार होने जा रहा है इस तरह से सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव आयोग का ये कदम? देखिए, हमेशा ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बारीक तरीके से, इतनी बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और हिंसा की बात पश्चिम बंगाल में कहीं से छुपी नहीं हुई है। अब क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि 125 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की अग्रिम तैनाती उनकी 25 फरवरी तक की जाएगी, जिसमें से करीब 30 से 35 कंपनियों की तैनाती आज की तारीख में हो चुकी है। बाकी तैनाती जो होगी वह 25 फरवरी तक होगी। यह अग्रिम तैनाती है जो कि अलग अलग इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में होती है, जहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को लगता है कि वहां पर हिंसक वारदातें हो सकती है। इसके बाद विस्तृत तरीके से मंत्रणा का दौर गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच लगातार जारी है, और तय होगा कि चुनाव, जब चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद कितनी फोर्सेस कहां पर तैनात की जाए। तो बेहद बारीकी से चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियां नजर रख रही हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सूक्ष्म तरीके से आकलन किया जा रहा है हर दिन का एक नियमित अंतराल पर कि अब राज्य को कितनी समुचित सुरक्षा व्यवस्था दी जानी है। और इसी के लिए सीआरपीएफ के जवान भी पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। मौर्य ने कहा है कि ममता बनर्जी चुनाव के नतीजों के बाद वंदे मातरम भी कहेंगी और जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया और दीदी को बहुत नाराजगी होती है। अभी मैं एक दिन देख रहा था एक चैनल में, वो बात कर रही थी कि मैं जय श्री राम नहीं कहूंगी, मैं जय सियाराम कहूंगी। अरे दीदी, आप जय श्री राम भी कहोगी, जय सियाराम भी कहोगी, आप वंदे मातरम भी कहोगी, आप भारत माता की जय भी कहोगी। जरा चुनाव का परिणाम पश्चिम बंगाल का आने दीजिए, आप जय श्री राम का उद्घोष भी करोगी, चारों तरफ आप चिल्ला चिल्ला करके कहोगी। और अब इसे भी मुद्दा बनाकर बीजेपी मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कई दफा ऐसा हुआ है कि जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, ममता बनर्जी भड़क गई है, क्या अब बीजेपी ये मान रही है कि ये भी एक अच्छा मुद्दा है और इसे वो इसीलिए इस तरह की जनसभाओं में बार बार दोहरा भी रही है? देखिए, जहां तक जय श्री राम के नारे का सवाल है, तो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता और उनके तमाम नेता, उनकी अलग अलग रैलीज हमने पिछले कई दिनों से देखी है, उनमें इस बात का उद्घोषण होता रहता है, और इसके बहाने वो दीदी पर निशाना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। उनका यही कहना कि उनको इस नाम से दिक्कत क्यों है, और जहाँ जहाँ सभा हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं की, उसमें इस बात का जिक्र है। तो हम ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी की रणनीति के हिसाब से आने वाले दिनों में, जब बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान अपना करेगी, वह इस बात का जिक्र करेगी और इस पर, इसके बहाने वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना जरूर साधेगी। और यह वो बात है जिसे लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर चलना चाहती है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं, एक के बाद एक कई हिंसक वारदातें पेश आ रही है। बीजेपी कई बार आरोप लगा रही है कि उनके कार्यक्रमों में हमला किया जा रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंजाब का भुल्लर हत्याकांड, 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं इस पूरे मामले में, लगातार आरोपियों की तलाश थी। 18 फरवरी की वो घटना जिसमें हत्या को अंजाम दिया गया था, फरीदकोट में यह हत्या की गई थी पंजाब के, और अब 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। लगातार पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही थी। 18 फरवरी को हुई इस हत्या के मामले में अब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब का भुल्लर कांड जिस पर लगातार चर्चा होती रही, आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी होती रही, 3 आरोपी अब आखिरकार पकड़े गए हैं। 18 फरवरी की इस घटना पर 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, क्या बताया गया पुलिस की ओर से? जी देखिए प्रशांत, गुरलाल सिंह भुल्लर की जो युवा कांग्रेस के नेता थे फरीदकोट के,
उनकी जुबली चौक पर गुरुवार को बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। करीबन 12 राउंड गोलियां चली थी और बुरी तरह वो घायल हुए थे और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस पूरे मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे और जिस तरह से हाल में वहां पर निकाय चुनाव थे तो इसे एक राजनीतिक रंजिश के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो कई जो टीमें हैं पंजाब की और पड़ोसी राज्यों की वो इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी मनीषी चंद्रा को ये कामयाबी मिली है और उन्होंने जो 3 आरोपी हैं इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी हरियाणा के ही किसी जिले से हुई है। इसकी आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुलझाया है और कई टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई थी। जिस तरह से बुल्लर की ताबड़तोड़ 12 राउंड गोली मारकर हत्या की गई थी गुरुकार को, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर अब कामयाबी हासिल की। 3 लोगों को पकड़ लिया गया है लेकिन चर्चा लगातार बंगाली सियासत की भी हो रही है। बंगाल में जिस तरह से सियासी फिजाओं में इस वक्त कई बातों पर चर्चा हो रही है, पहली चर्चा तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर हो रही है, वहीं दूसरी चर्चा टीएमसी में बगावत के छिड़ने की भी हो रही है, तो एक तीसरी बेहद अहम चर्चा बंगाल में बीजेपी के लगातार मजबूत होते कुंबे की भी चलती है। इन तमाम चर्चाओं में अगर कोई केंद्र बिंदु में है तो वो खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, क्योंकि बंगाल में इस बार भी सत्ता पर एक बार लौटने का ख्वाब देख रही ममता बनर्जी बीजेपी से इस कदर डर गई हैं कि पार्टी को एक बार फिर से चुनावी स्लोगन बदलना पड़ा है। इस बार ममता बनर्जी ने पार्टी के लिए एक नए स्लोगन के जरिए बंगाल के सेंटिमेंट को छूने की कोशिश की है। बंगाल में टीएमसी का इमोशनल कार्ड, नए स्लोगन के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश। बंगाल में ममता बनर्जी की बेटी वाली पॉलिटिक्स, लोकतंत्र के उत्सव में प्रयोग धर्मिता के अपने ही मायने हैं। कौन सा प्रयोग कब कहां और कैसे कारगर साबित होगा ये सत्ताधारी पार्टियों को बखूबी आता है। लगातार खिसक रहे सियासी जनाधार ने एक बार फिर ममता बनर्जी को भी प्रयोगों की पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया है। इसी कड़ी में कोलकाता से आई इन तस्वीरों ने ममता बनर्जी के इरादों को जाहिर कर दिया है। विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से ममता बनर्जी ने नए चुनावी स्लोगन के जरिए इमोशनल कार्ड खेल दिया है। पार्टी का नया चुनावी स्लोगन है बांग्ला निजेर मय के ईचाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। একটা স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে যেতে চায়। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, এই স্লোগানের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের শত সহস্র সহকর্মী পৌঁছবেন। মা আর বেটিকা ইয়ে রিশতা মমতা ব্যানার্জি কো চুনাবো সে ঠিক পেহলে কিয়ন ইয়াদ আ রাহা হ্যায়, ইসকে পিছে ভি আপনি হি কাহানি হ্যায়। মমতা জানতি হ্যায় কি 2019 কে লোকসভা চুনাবো মে बीजेपी उनकी पार्टी को कितना बड़ा झटका दे चुकी है और ऐसी ही तस्वीर इस बार कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि 200 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनावों में भी बड़ा उलट फेर कर सकती है। टीएमसी को पता है कि जरा सी रणनीतिक चूक पार्टी के सपने को तोड़ सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी ये भी जानती हैं कि बीजेपी में शामिल हो चुके टीएमसी के बागी नेता उन्हें कहां कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीएमसी जानती है कि करीब 1.5-2 सालों से बीजेपी ने बंगाल में अपने जनाधार को कितना मजबूत कर लिया है, साथ ही ओवैसी का चुनाव मैदान में उतरना भी टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। इतना ही नहीं, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति भी मुसीबत से कम नहीं है। अब जरा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ यहीं से मैदान में उतरेंगी। यदि उनको अपनी जीत का भरोसा है तो ये घोषणा भी करें, वरना ये समझा जाएगा कि आपको नंदीग्राम पर भरोसा नहीं। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ने अपना ये नया स्लोगन जारी किया। पार्टी का दावा है कि ये फैसला दिल और दिमाग से लिया गया है। You can also clearly understand this message. So it's a very simple message. It's an honest message. It's a direct message. It's a message from here.
It's also a message from here. No, one slogan, and that is Bangla Nijer Mekei Chai. So that's the slogan. It's a positive slogan. ममता का नया स्लोगन बंगाल की बेटी वाले सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से बाहरी और भीतरी की राजनीति करती आ रही टीएमसी ने इस स्लोगन से पार्टी में प्राण फूंकने की कोशिश की है। टीएमसी इस स्लोगन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी बाहरी शक्ति। अधिकारी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप दीदी ने अपना स्लोगन लॉन्च किया है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। दीदी की स्लोगन नहीं है ये, जो 500 करोड़ वो जो काटमानी लेकर जो उसको बिहार से लाया ना, जिसका इंटेलिजेंस खरीद के चुनाव जीतना चाहता है वो उसका है, वो आईपैक का स्लोगन है। ये स्लोगन बंगाल में रिजेक्टेड। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की तरफ से कोई नया स्लोगन दिया गया है। पहले भी कई मौके आ चुके हैं जब ममता बनर्जी ने जनता को लुभाने के लिए स्लोगन का सहारा लिया, लेकिन टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की नज़र में नए स्लोगन के कोई मायने नहीं है। पहले दीदी का बोला, दीदी के बोलो रिजेक्टेड, दूसरा बांग्लार गर्व रिजेक्टेड, तीसरा दीदी दूध ऑल्सो रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट होने वाला है। अपने प्रदेश बनाने का घटिया काम ये कर रहा है, इसको जनता नकार देगा। इस बार इशू यही है, एक तो विकास, दूसरों बेरोजगार नौजवान की नौकरी, और तीसरा सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, डबल इंजन का सरकार, और चौथा काटमानी तोलाबाजी का खिलाफ इस बार चुनाव होगा। तुष्टीकरण के खिलाफ घुसपैठियों के खिलाफ चुनाव होने वाला। बंगाल विधानसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी चुनौतियों से भरा है। सियासी हिंसा की आग ने कई जिलों को अपनी शिकंजे में कस रखा है। बीजेपी लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है। बैरकपुर से आई इन तस्वीरों को बंगाल में राजनीतिक हिंसा की एक वानगी माना जा सकता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अचानक यहां हमला बोल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने हुआ, लेकिन